प्रोग्राम का नाम एक साल नई मिसाल ही क्यों? बीजेपी की सरकार तो 6 साल से है, तो 6 साल बेमिसाल क्यों नहीं? देखिए, हर साल तरक्की हो रही है, हर साल काम हो रहे हैं। ये जो अभी नई सरकार जो बनी है 2022 में, उसको 1 साल पूर्ण होने पर सरकार जनता के द्वार जा रही है। एक साल नई मिसाल ही क्यों, 6 साल बेमिसाल क्यों नहीं? देखिए, ऐसा होता है कि उत्तरदायित्व जिस सरकार का है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल, ये उनके निर्णय का साल है, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो क्रियान्वित हो रहे हैं, तो इसलिए जो धामी सरकार पार्ट टू है ये उसका 1 साल है। तो ये प्रोग्राम का नाम 6 साल बेमिसाल क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो लगातार 6 साल से है उत्तराखंड? तो पिछले 5 साल में जो हमने मैनिफेस्टो दिया था उसका हमने पूरे 5 साल काम किया, उससे बढ़कर काम किया। अब जो मैनिफेस्टो हमने पिछले साल दिया है, अब उस पर हम काम कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको 6 साल ना कह के हम 1 साल का नाम दे रहे हैं, कि ताकि जो हमने मैनिफेस्टो दिया है उसे पूरा कर सके। आप क्या बोलना चाहेंगे 1 साल नई मिसाल के कार्यक्रम के बारे में, कि 5 साल में अच्छे काम नहीं हुए हैं बीजेपी सरकार द्वारा? भारतीय जनता पार्टी ने इतने कार्य किए हैं, यदि उपलब्धि गिनाना स्टार्ट करें तो 3 दिन तक भी खत्म नहीं होंगे। सर, जो ये प्रोग्राम हो रहा है 1 साल नई मिसाल, तो ये 6 साल बेमिसाल क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो लगातार 6 साल से उत्तराखंड में है? बहन जी, हर साल ही मनाते हैं, पहले 4 साल बेमिसाल मनाया था, फिर 5 साल पूर्ण हुए थे, तब लोगों को घर घर जाकर उनको बताया ना कि हमारी सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई थी और क्या क्या लोगों को लाभ मिले, तभी हमारी सरकार दोबारा आई। अब दूसरी चुनी हुई सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, इसलिए 1 साल बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम रामनगर में मौजूद हैं, जहां पर एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अंदर चलते हैं और देखते हैं इस बहुउद्देश्य शिविर का उद्देश्य क्या है। आज हमारे साथ रुड़की के विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी मौजूद हैं। सर, आप पहले कांग्रेस में थे, तब भी आप रुड़की के विधायक थे, उसके बाद बीजेपी में आए, तब भी रुड़की की जनता ने अपना प्यार दिखाते हुए आपको विधायक बनाया। तो सर, आज जो ये 1 साल नई मिसाल का जो प्रोग्राम है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रुड़की लगातार प्रगति और अग्रसर है, रुड़की में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और जनता केवल और केवल विकास चाहती है, और जो जनता को मिल रहा है आज, शहर का प्रारूप जो है, स्वरूप जो है, बदलाव आए, चौड़ी चौड़ी सड़कें, सीवर लाइन का प्रोजेक्ट, पानी की लाइनों का प्रोजेक्ट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगना, नहरी किनारे ब्यूटिफिकेशन होना, ये सभी कार्य जो चल रहे हैं, जनता ने इसको सराहा, इसलिए जनता मुझे बार बार जो है सेवा का मौका दे रही है। और आज ये सरकार के 1 साल पूरे होने पर एक नई मिसाल कायम करी है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उसी के तहत हम लोगों ने सभी विभाग के कैंप यहाँ पर लगे हैं। पानी के बिल की समस्या, बिजली के बिल की समस्या, नगर निगम की समस्या, जो भी समस्या है, लोग यहाँ पर आएँ, सरकार आपके द्वारा ही आपकी मदद कर लें और आप आएँ, उसका लाभ उठाएँ, यही आज बहुउद्देश्य शिविर का जो है उद्देश्य है। सर, ये प्रोग्राम का नाम 1 साल नई मिसाल ही क्यों, बीजेपी की सरकार तो 6 साल से है, तो 6 साल बेमिसाल क्यों नहीं? देखिए, हर साल तरक्की हो रही है, हर साल काम हो रहे हैं। ये जो अभी नई सरकार जो बनी है 2022 में, उसको 1 साल पूर्ण होने पर सरकार जनता के द्वार जा रही है, और सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक कानून बनाए हैं, चाहे महिला आरक्षण को लेकर हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, जिससे कि हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और सही पात्र को नौकरी मिल सके, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून है। इसके अलावा अंत्योदय तक सरकारी योजना का लाभ मिले और जगह जगह जाकर हम लोगों का समस्या का समाधान करें, और लोगों को एक फील होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लोगों की अपनी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ये देश आगे बढ़ रहा है, लगातार काम हो रहे हैं। सिर्फ 1 साल में रुड़की में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और रुड़की में और क्या विकास कार्य होने की ज़रूरत है? देखिए, सड़कों का निर्माण लगातार चल रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं और लगातार ब्यूटिफिकेशन हो रहा है रुड़की का, नहर किनारे कैनाल साइड ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, विद्युत लाइनें जो हैं वो जर्जर हालत में चेंज हो रही हैं। इसके अलावा सरकारी योजना का लाभ, पेंशन हो गया, सहायता समूह से हो गया, चाहे लोगों को आधार कार्ड बनाओ, आयुष्मान कार्ड बनाओ, ये सारी सेवाएं लगातार चल रही हैं और जनता इसका लाभ ले रही है। आप रुड़की की जनता को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं, जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और देश जो हमारा विश्वगुरु बनने वाला है, उसमें सभी लोग भागीदारी करें, सब अपनी सहभागिता करें, सबके सहयोग से ही देश आगे बढ़ेगा और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग विश्वगुरु कहलाएंगे। प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, 1 साल नई मिसाल जो प्रोग्राम? देखिए, ये सरकार का प्रोग्राम है 1 साल नई मिसाल, सभी विधानसभा वार हो रहा है, तो उसी के क्रम में आज हमने यहाँ रुड़की के रामनगर के रामलीला ग्राउंड में ये कराया है, तो इसमें सभी विभागों की स्टॉल्स लगी है, सभी विभागों के लोग आए हैं, तो जिसकी भी समस्या है वो हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं और उसको संबंधित विभाग को दे रहे हैं ताकि उसका इमीडिएटली निस्तारण हो पाए। तो बाकी सारे विभागों की योजना है यहाँ पे, जो भी लाभार्थी वो आके यहाँ पे अपना उनका वो ले सकते हैं उसकी,
इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जो भी जो योजनाएं हैं उसमें जो भी फॉर्म्स वगैरह वो भी यहीं भर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये लोगों के लिए कराया हमने। सर आज हम यहाँ एक प्रोग्राम में आए हैं, एक साल नई मिसाल, तो जो ये प्रोग्राम है एक साल नई मिसाल ही क्यों, छः साल बेमिसाल क्यों नहीं? देखिए ऐसा होता है कि उत्तरदायित्व जिस सरकार का है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साल, ये उनके निर्णय का साल है, उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो क्रियान्वित हो रहे हैं, तो इसलिए जो धामी सरकार पार्ट टू है ये उसका एक साल है। टोटल जो पाँच साल का एक कार्यकाल होता है वो पाँच साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, ये एक साल का उत्कर्ष है, एक साल का जो नया काम है उसकी योजना के लाभ है। इससे पिछले जो पाँच साल थे कि उसमें बीजेपी सरकार ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पाँच साल अच्छे काम किए हैं, तभी एक मिथक को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रिपीट हुई है। पहले कोई भी सरकार ऐसे रिपीट नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी दोबारा आई है, जनता का विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आई। सर जो ये प्रोग्राम है एक साल नई मिसाल, तो ये प्रोग्राम का नाम छः साल बेमिसाल क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो लगातार छः साल से है उत्तराखंड? देखिए हर बार जब भी चुनाव होते हैं सरकार एक मैनिफेस्टो अपना जारी करती है, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, तो पिछले पाँच साल में जो हमने मैनिफेस्टो दिया था उसका हमने पूरे पाँच साल काम किया, उससे बढ़कर काम किया। अब जो मैनिफेस्टो हमने पिछले साल दिया है अब उस पर हम काम कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसी के मद्देनज़र बहुत सारी योजनाएँ धामी जी ने एक साल के अंदर पूरी की, जैसे कि अंत्योदय परिवार को तीन सिलेंडर देना हो या उसमें वृद्धा पेंशन में पति पत्नी दोनों को उसका लाभ देना हो, तो इसलिए इसको छः साल ना कह के हम एक साल का नाम दे रहे हैं कि ताकि जो हमने मैनिफेस्टो दिया हम उसे पूरा कर सकें अपना। सर जो ये अच्छा आप बोल रहे हो धामी जी ने ये अच्छे काम किए हैं उत्तराखंड में, तो ये अच्छे काम सिर्फ धामी जी ने किए हैं या बीजेपी सरकार ने किए? नहीं देखिए धामी जी भी बीजेपी का ही चेहरा है और धामी जी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर रही है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर रही है। ये सर ऐसा तो नहीं है कि जो धामी जी हैं वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं? नहीं वो तो हमारे सीएम हैं, उन्हें क्या प्रोजेक्ट करना, वो तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और बहुवद्य से शिविर जो लगाए जा रहे हैं या आम जनता के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जनता को जो सरकार की योजना है उसको लाभ मिलना चाहिए और यहाँ पर स्टॉल लगाकर उसके माध्यम से जनता को ये जागरूक कर रहे हैं कि आपके द्वारा सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं आप लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। आप क्या बोलना चाहेंगे एक साल नई मिसाल के कार्यक्रम के बारे में कि पाँच साल में अच्छे काम नहीं हुए हैं बीजेपी सरकार द्वारा? भारतीय जनता पार्टी ने इतने कार्य किए हैं, यदि उपलब्धि गिनाना स्टार्ट करें तो तीन दिन तक भी खत्म नहीं होंगे। इस एक साल की मैं अगर बात करूं तो इस एक साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या अच्छा काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने सभी अच्छे कार्य किए हैं, चाहे तीन सिलेंडर देने का कार्य हो या पाँच लाख का बीमा हो, ये काम पहले नहीं हुए किसी सरकार के कार्य, भाजपा सरकार से पहले किसी सरकार ने कार्य नहीं किए हैं, ये सब भाजपा में ही संभव हो पाया है। पंक्ति में पीछे बैठे व्यक्ति तक जो लाभ मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिला है, सीएम पुष्कर धामी। जो सीएम पुष्कर धामी से पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं कराया उत्तराखंड के विकास के लिए? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीएम रहे सभी ने अच्छा कार्य किया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया, सब ने अच्छा ही कार्य किया। सर जो ये प्रोग्राम हो रहा है एक साल नई मिसाल, तो ये छः साल बेमिसाल क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो लगातार छः साल से उत्तराखंड में है? बहन जी हर साल ही मनाते हैं, पहले चार साल बेमिसाल मनाया था, फिर पाँच साल पूर्ण हुए थे तब लोगों को घर घर जाकर उनको बताया था कि हमारी सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई थी और क्या क्या लोगों को लाभ मिले, तभी हमारी सरकार दोबारा आई। अब दूसरी चुनी हुई सरकार का एक साल पूरा हुआ है इसलिए एक साल बेमिसाल है। इस एक साल में धामी सरकार ने क्या क्या किया है उत्तराखंड के विकास के लिए? सबसे सर्वप्रथम तो आपने देखा होगा कि जो नकल विरोधी कानून पूरे भारत में सबसे जो कठिन कारावास वाला कानून है वो उत्तराखंड में बना, उसके अलावा सामान्य नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, इस तरह के कई सारे निर्णय लिए हैं। अभी जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें जोशीमठ पे जो हुआ वो भी एक अपने में एक मिसाल है, तो इस तरह के कई कार्य किए हैं, एक साल भी अभी हुआ है और हमारी जो सरकार है प्रगति पर है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की सरकार है।
सर, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये मैं देख पा रही हूँ, ये खाने का सामान है, ये शिविर लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, हमारे ये राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत जो पोषण पखवाड़ा है वो आयोजित किया जा रहा है 20 मार्च से 3 अप्रैल तक, और इस बार जो उसकी थीम है श्री अन्न, यानी मोटा अनाज है, और विश्व इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी है, तो उसमें हमने मोटे अनाज से संबंधित जो जो पोषक तत्व मोटा अनाज में पाए जाते हैं, मोटे अनाज के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम हम जो है इस पोषण पखवाड़े में आयोजित कर रहे हैं। इसमें जगह जगह हमने अपने रुड़की शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्टॉल भी लगाए हैं, रैली भी करी है, साइकिल रैली भी करी है, नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं, और लोगों को इसके संबंध में जागरूक किया है। जो आज ये स्टॉल लगे हुए हैं ये मोटे अनाज से संबंधित सामग्रियों के हैं। जैसे हमारे पास बाजरा है तो बाजरे की खिचड़ी बनाई जा सकती है, बाजरे का हलवा बन सकता है, बाजरे की रोटी हो सकती है, वो यहाँ दर्शाई गई है। इसी तरीके से मक्का है, सोयाबीन है, इनसे संबंधित जो भी सामग्री हम बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं वो हमने यहाँ पे प्रदर्शित करी है, ताकि लोग इससे जागरूक हों और अपने बच्चों को ये पोषण आहार खिलाएं, ताकि देश से कुपोषण दूर हो सके। मैम, आज जो यहाँ पर ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ है, आपने उसमें पोषण पखवाड़ा का जो स्टॉल लगाया है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये पोषण पखवाड़ा हमारा 20 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाला प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हमारे जो मोटे अनाज रखे हुए हैं ना यहाँ पर, इनसे बनी हुई चीज़ें वो हमने बनाई जो बहुत पौष्टिक वाली होती है, जिनको खाने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। तो उसको हटाने के लिए, क्योंकि ताकि हमारे बच्चे आने वाली जनरेशन जो है इनकी तरफ आए और हमारे मोटे अनाज की तरफ अग्रसरित हो, इसलिए हम लोग बस ये सब दे रहे हैं खाने के लिए। मैम, घर में जैसे महिलाओं को दिक्कत होती है कि रोज क्या बनाएं, क्या खाएं, लोगों अपने फैमिली को क्या पोषक आहार हम खिलाएं जिनसे उनका सेहत सही रहे, तो उस बारे में आप क्या बोलेंगे कि उन्हें क्या खिलाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? उसके लिए हमें जो बाहर की चीज़ें बच्चों को अवॉइड करानी चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास ये एक बाजरा होगा, इसका पराठा भी बनता है, इसका हलवा भी बनता है, कई चीज़ें बनती हैं। डालिए, हरी सब्जियां डालिए, जिसे बच्चे खाएंगे उन्हें अच्छा लगेगा, उनके अंदर सारे प्रोटीन बना के ना, इसलिए कि बच्चे इसे खाएं, टेस्टी बना के खिलाइए ना, और बाजार की जो है उस चीज़ को, इससे ही हम एक से अनेक चीज़ें बना सकते हैं। ऐसा होता है कि जो पौष्टिक जो खाना होता है वो किसी को पसंद नहीं आता है, टेस्ट अच्छा नहीं होता है, बच्चों को टेस्टी नहीं लगता है, तो ये जो खाना है हम कैसे उन्हें टेस्टी बना के खिलाएं कि फैमिली में सबको और बच्चों को पसंद आए? उसे उसी तरह से बनाइए ना, जैसे आपने कुट्टू की टिक्की बना दी, बच्चों को टिक्की बहुत पसंद आती है, तो आप इसमें साबूदाना डाल के टिक्की बना के खिलाइए, बच्चे खुश होकर क्षेत्र में बताते हैं इस चीज़ को, मक्के के आटे की टिक्की, मतलब जरूरी नहीं हम लोग रोटी बना के खिलाएं, इसकी और भी कई व्यंजन बना के भी खिला सकते हैं। आलू की सब्जी के साथ बच्चे बहुत टेस्टी से करके खाते हैं, मक्के की पूड़ी बनाएं, बाजरे की पूड़ी बनाएं, हर तरह की खा लेते हैं, बच्चों को अलग अलग टेस्ट अच्छा लगता है, डेली अलग अलग चीज़ें बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मैगी से उनका हट जाएगा मन। जैसे हमारे हम जवे बनाते हैं मोटे अनाज से, गेहूं से या उन सब से, इनके सबके जवे बना के मैगी की जगह हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब अपने बच्चों को खिला सकते हैं, ताकि हमारा, क्योंकि मेनली जो चीज़ें हैं वो सब बनती तो इन्हीं चीज़ों से हैं, जो हमारा चाउमीन वगैरह है उन सब से हमारा बच्चों को हटाना है और इनकी तरफ मोटे अनाज की तरफ लेके आना है। ग्रहणी होने के नाते हम सबका यही फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को इधर लेके आएं, अन्यथा हमारी पर प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं, अपने सर्वे क्षेत्र में हम प्रचार प्रसार करते हैं, तो जिसके जरिए लोग इसकी तरफ जागरूक होते हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ सही है, हमने बनाया। मैम आप चेक कीजिए। मैम ये मुझे ये सब ये दिख रहा है, इस पे लिखा हुआ है, लेकिन सबसे अलग जो ये चीज़ लग रही है आर्टिफिशियल एग्स है, ये क्या है, इसके बारे में? ये एग है लेकिन ये आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि फिलहाल नवरात्रे चल रहे हैं और हम लोग सब शाकाहारी हैं, तो इसलिए हम लोग को आर्टिफिशियल रखना पड़ा है, ये हमारी मजबूरी है जी। मैम ऐसा कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन होते हैं वो एग्स वगैरह नहीं खाते, एग नॉन वेज में आता है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? वेज नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि एग वेजिटेरियन में आता है या नॉन वेजिटेरियन? मैम वैसे तो नॉन वेजिटेरियन में आता है, ये नॉन वेज में आते हैं, लेकिन अगर हम ये ना भी खाएं नॉन वेज तो इसके अतिरिक्त भी हमारे इतने बहुत पौष्टिक होता है, मूंग की दाल उसके लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, एग सबसे ज्यादा बढ़िया, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है मेन, इसलिए जो हम खा सकते हैं। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, नहीं खाते उसके लिए खजूर है, इसमें बहुत ज्यादा भरपूर प्रोटीन है। जो चिकन खाते हैं उनका तो प्रोटीन मिलता है, लेकिन जो लोग चिकन नहीं खाते हैं वो प्रोटीन कैसे लें? खजूर, उनके लिए खजूर, इसीलिए ये खजूर की नहीं, दूध है, दही है, प्रोटीन है, और भी कई स्रोत है, साबुत मूंग से मिलता है उनको प्रोटीन,
क्योंकि जितना मीट होता है ना उतना ही उसमें होता है, सोयाबीन में होता है, तो स्पेशली सोयाबीन प्रोटीन और ये लेना चाहिए आपको, दूध से बनी हुई चीज़ें, तो बच्चों को सब कुछ दूध में, दूध तो हमारा वैसे भी संपूर्ण आहार है। तो अब मतलब जो लोग बाग हैं वो तो अब इसके नॉनवेज को छोड़ ही रहे हैं और सारे शाकाहारी, और वो अच्छी बात भी है, शाकाहारी होना भी अच्छी बात है। हमारे यहाँ बहुत, अरे हमारे यहाँ तो बहुत इतनी दालें हैं, इतने दूध है, दही है, जिससे हमें इतना प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन के कई स्रोत हैं जिनसे हम प्रोटीन ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है मिल्क इज अ कम्प्लीट फूड, लेकिन आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि दूध मत पियो और बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, तो और क्या सप्लीमेंट है जो बच्चों को टेस्टी भी लगता है और उन्हें खाना चाहिए, हम उन्हें खिला सकते हैं? पनीर है, पनीर में भी नहीं, तो वो तो बच्चों को हमें समझाना भी पड़ेगा थोड़ा, हमें भी तो मोटिवेट करना। सूजी की खीर हम बना सकते हैं उसमें दूध डाल के, ठीक है ना। सोयाबीन होती है ना वो हम उसे फीकी कोई अगर हम उसे उबाल लें, उबाल के हम उसे मिक्सर कर दें, उसमें दूध में मिक्स करा के खिलाएं, तो बच्चों को खिलाने का एक माँ का तरीका होता है। वही सब चीज़ें हम इसमें बताते हैं, एक चीज़ जो बच्चा नहीं खा रहा उसे हम कैसे कैसे खिला सकते हैं। ये तो हमारी ड्यूटी है, यही तो हम अपने क्षेत्र में बताते हैं सारा, किस तरह से खिलाना है बच्चों को, पोषण बचाना है इसलिए। जैसा कि आपने देखा रुड़की के विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी के द्वारा ये शिविर का, बहु उद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, एक साल नई मिसाल। ऐसे ही तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।